questions? Yes, bro. पुलिस ही तो है. Thank you. हर बार निकल जाते हैं हम. पता नहीं पुलिस वालों को हमसे कि प्यार है क्या है. मैं तो रिक्लेयर बन गया भाई. भाई यहाँ से पूरी सड़क मेरे ख्याल से खाली होगी. देखते हैं. Hi guys, तो अभी हम जा रहे थे पटियाला इसके ancestral home में क्योंकि हम बोर हो रहे थे और you know we thought just it'll be a good trip to just go over there. मैं कभी पटियाला गया नहीं हूँ. ये तो बचपन में रहता था. बट हुआ क्या है कि इतने ज्यादा स्टॉप्स हैं बॉर्डर में. पुलिस हर जगह फैली हुई है, लोगों को रोक रही है. स्पेशली हम गूगल नहीं कर सकते ना कि क्या हो रहा है. आई मीन हमें आइडिया इतने अच्छे से नहीं था कि इतनी ज्यादा दिक्कत है लोगों के. हमें पता था कि फार्मर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है और उनको आने नहीं दे रहे. बट हमें ये नहीं पता था कि जो नॉर्मल यहाँ पे लोग रहते हैं उनको भी जाने नहीं दे रहे हैं कहीं. तो बहुत दिक्कतें आ रही हैं. तो मैंने सोचा कि यार असली में जो लोग इतनी दिक्कतें फेस कर रहे हैं, जिनके चक्कर में इतना सब कुछ हो रहा है, उनसे भी जाके मिल ही लेते हैं कि दिक्कत क्या है, उनको प्रोटेस्ट में रोका हुआ है. हमने सिचुएशन में देखा कि यार टीवी पे आपको आजकल जो भी बताते हैं उसमें आप कितना बिलीव कर सकते हैं वो तो हम सारे जानते ही हैं. हर न्यूज चैनल में अलग चीजें चलती हैं. तो नाउ वी आर गेटिंग डाउन एंड डर्टी एंड वी आर गोइंग टू मीट द पीपल ओवर देयर, द फार्मर्स हु आर एक्चुअली प्रोटेस्टिंग. क्या सिचुएशन उनकी, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, उनसे ही पूछते हैं. देखते पता चलेगा कुछ है. उसके बाद पटियाला चलेंगे अगर एंटरटेनमेंट हमारा कम नहीं हुआ तो. ठीक है फिर पटियाला चलेंगे. तो चलो अब मिलते हैं उन प्रोटेस्टर्स के साथ में ही मिलेंगे. ठीक है, हल्दी टिल देन बाय. उल्टे ही जाना पड़ रहा है. आज तक वालों की गाड़ी यहाँ लगी हुई है. ओके अब हम उस जगह पे पहुंच गए जहाँ पे सिर्फ न्यूज वालों की गाड़ियां लगी हैं क्योंकि हम बहुत क्लोज हैं प्रोटेस्ट के, ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर दूर. तो यहाँ पे नॉर्मल गाड़ियों को अलाउ नहीं कर रहे हैं. जो भी लोकल्स हैं वो ही घूम पा रहे हैं. हम तो दूर से आए हैं. तो हम पहुंच गए जिस तरीके से भी हम पहुंचते हैं हर बार. जिस तरीके से हर बार पहुंचते हैं मतलब वही सीक्रेट तरीका हमारा. भाई गाड़ी पार्क करवाओ मेरी. जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए अनमोल बकाया व्लॉग्स. सो गाइस अभी हम सिंघू बॉर्डर पे हैं और आइडिया था हमें पटियाला जाना था बट वो हो नहीं पाया क्योंकि काफी जगह स्टॉप लगे हैं और नॉर्मल लोगों को रोक रहे हैं. तो हम फाइनली इस जगह पे पहुंच गए हैं जैसे कि हम हमेशा पहुंचते हैं अपने तरीकों से. बट आइडिया ये नाउ आई रियली वांट टू नो, आई एम रियली क्यूरियस अबाउट द फैक्ट व्हाई आर दीज पीपल डूइंग दिस. मतलब मुझे जस्ट पता है दे आर नॉट हैप्पी विद द ऑर्डिनेंस जो सरकार ने पास की है एंड उनको लगता है उनका फ्यूचर सिक्योर्ड नहीं है अगर ये ऑर्डिनेंस चेंज नहीं हुई, इसलिए ये लोग दिल्ली जाना चाहते हैं. इस प्रोटेस्ट का नाम है चलो दिल्ली प्रोटेस्ट. तो अब हम उनसे भी पूछेंगे किसानों से कि उनका एक्चुअल मुद्दा क्या है और वो वहाँ पहुँच के अचीव क्या करना चाहते हैं दिल्ली जाके. और हम पुलिस वालों से भी पूछेंगे कि इनको क्या ऑर्डर्स मिले हैं, कि रोकना है तो क्यों रोकना है. और सामने मेरे 3 पुलिस वाले हैं जो कि वहीं पर हैं. तो मेरा बड़ा मन कर रहा है इनसे जाके बातें करने का. तो चलो बातें करते हैं, चलेंगे. अच्छा ये बता सकते हैं रोक क्यों रहे हैं अभी फार्मर्स को? ये तो नॉर्मल सवाल है ना, अभी रोका जा रहा है क्यों? कोई ऑर्डर आए होंगे आपको ऊपर से? ऑर्डर आए हैं कि फार्मर्स को पास होने नहीं देना है, यही है ना? इसके अलावा कुछ पता है क्यों आए हैं? क्योंकि काफी लोग जानना चाहते हैं. तो सिर्फ यही है कि ऊपर से ऑर्डर आए हैं और कुछ नहीं है इसमें बात? तो ठीक है, ये भी एक सोच है और ये भी एक चीज है कि ऊपर से ऑर्डर आए हैं इसलिए सब हो रहा है. वहां पे मुझे स्क्वाड्स दिख रही हैं पुलिस की भी 50 में. बट ठीक है, ये तो सरकारी रूल ये लोग तो सरकारी रूल लागू करने के लिए आए हैं तो यू नो प्रॉब्ली दैट डजंट काउंट राइट. सो चलिए आम जनता से पूछते हैं कि शायद इनको बताओ क्योंकि मैं बड़ा क्यूरियस हूँ. आप So we finally reached this side of the border and you can see the people around, the ruckus around and everybody seems to be in an intense stage. किसान मारने कानून मोदी सरकार ने लागू किए ना, उसे के लिए थे पंजाब, पंजाब से हम दिल्ली आए. अच्छा, इसे के लिए आए हैं. जो पंजाब किसान है ना उसको मोदी सरकार का कानून है वो मारती है, खत्म करना चाहती है. अच्छा कौन सा कानून है? जो बिल पास किए है ना MSP खत्म करने के लिए, उसे लिए है पंजाब. अच्छा तो ये आपको बेसिकली कह रहे हैं कि आप माहौल खराब करेंगे इसलिए आपको रोक रहे हैं? इसलिए रोक रहे हैं वहाँ. तो आपको आपको ये लगता है कि इससे कोविड बढ़ने के चांसेस है इस टाइम पे? इसलिए ऐसा बेटर है. बिहार में चोन होती है
नहीं, इसीलिए ये बेटर है जहाँ हम लोग रुके हैं, अच्छा है। जहाँ पर क्या होगा, अभी किसानों हम हरियाणा पंजाब से आए हैं, हरियाणा को पार किया है जी, कोई नुकसान, कभी नुकसान किया है कभी हरियाणा का? एक बात है, लोकतंत्र मोदी साहब ने वो जित दी खुशी से जनता इकट्ठी की है, उधर भी आपका कोरोना है ना, उधर ना कोरोना बड़ा आ गया, दिल्ली में कितना घट सेगा आज कोरोना, ये मोदी ये दुनिया नु दबाया चाहते है, सिर्फ अडवाणी दी उन्हां दी आ, बड़िया घराणियां नु पालदी आ, इन्हां तों इन्हां नु फंड मिलदा, इन्हां दा पैसे मंगण दा बड़ा सौखा तरीका पार्टी फंड आ गया, गुजरात दे विचों इत्थे नु लियाउणे वाला प्रधानमंत्री बनाउण वाला जी, इहदा जिहड़ा सब तों वड्डा हैगा रिलायंस वाला, नीता अंबानी हथ फट फट के घुटदा तो स्वाद बहुत आता होना, ओनू नी करोना होया। सर अगर मैं आपकी बात समझ गया, अगर ये लोग आपकी बात नहीं मानते, अभी तो यहाँ पे रुके हुए हैं, लेकिन कितने दिन रुकेंगे? हमने 6 महीने का सामान तो लेके आए हैं, जब तक हमारा साथ चलेगा तब तक वहाँ दिल्ली रहेंगे, दिल्ली नहीं इसको पंजाब बना के जाएंगे। तो आप कह रहे हैं हमारी तो सब कुछ बेच दिया, हमने घर जाके भी की करना जी, ये तो आर पार की लड़ाई है, गोली मारनी तो मार दे, सीना डाके खड़े हैं, तो पीछे नहीं मुड़ेंगे, क्यों? लोकतंत्र है, हर एक नु हक वा, ये थोड़े अंदर बैठ के बेच देता सब कुछ। MSP से कम कीमत पर खरीदेगा उसको सजा होगी, वो शर्त मानने को तैयार नहीं है। अच्छे दिन किसके लिए? अंबानी अडानी के। आज किसान की हालत है, जो पूरे देश के किसान की हालत इस तरह की हो गई है कि आप सब देखते हो कि खुदकुशियां कर रहे हैं, उसका कारण क्या है? किसान की आत्महत्या करने की वजह है कि उसको उसकी उपज का सही दाम नहीं मिल रहा, जो MSP जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय की जाती है वो सही तरीके से तय नहीं की जाती। तो अभी हम बढ़ते हुए आगे, अभी हमने काफ़ी लोगों के ओपिनियंस लिए, अब और लोगों के ओपिनियंस लेंगे, क्योंकि बहुत ही बड़ा प्रोटेस्ट है, पंजाब के हर कोने से लोग आए हैं, और मतलब आई थिंक मेरे उम्र के जितने लोग हैं वो बहुत बिजी हैं अपने लाइफ में, मैं भी बहुत बिजी हूँ, बट मेरा काम ही अब ऐसा है कि मुझे एक लाइफ जीनी है, आई एम अ व्लॉगर। तो जब मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ, मतलब जिन लोगों का खाना पीना कुछ पूरा नहीं हो पा रहा है और पूरे प्रोटेस्ट में, मतलब इतना प्रोटेस्ट क्यों करेगा इंसान ऐसे? आई एम जस्ट वंडरिंग, आई डोंट नो, आई एम नॉट अ पॉलिटिकल गाय, क्योंकि मैं आई एम कम्प्लीटली ए पॉलिटिकल, बिकॉज आई बिलीव कि अगर आई कांट इम्पैक्ट एनीथिंग तो बातें करके फ़ायदा क्या है? तो बस लोगों के ओपिनियंस जानते हैं व्हाट दे आर गोइंग थ्रू। आज हमारा किसान आत्महत्या करने के लिए परेशान है बेचारा, देनदारी पुगत नहीं, सामने से कई सैंतीस रुपए ले गया था, उसके बाद भी चंदे नहीं, कोई ना कोई भी कहा सर गांधी डूब का मर्चा, तो आदमी जो वो खत्म करता। मैं क्या 6-6 महीनों का राशन लेके आए हैं ऐसे, राशन साढ़े होर मगरों आ जाना है, जे साल ना सरदा है तो ठीक है, नहीं तो होर बता देंगे, असी जित के जाना है, जितन लिए आए हैं। 2.5 महीने असी एजेंसियों को बात ही दी है, कल दे रहे हैं वक्री है, अभी इतने पहुंचे हैं, जे कुछ
अचंभे वाली बात है कि इतने बड़े स्तर पे ये प्रोटेस्ट हो रहा है और सेल्फ सस्टेन्ड है, सारे लोग अपना खाना भी खुद बना रहे हैं और मतलब सारे खुशी से बात कर रहे हैं और मतलब अपना एक पर्पस है जो वो सॉल्व करना चाहते हैं कि बस एमएसपी जो सही रेट है वो मिलना चाहिए और इसके लिए सिंपली दिल्ली तक जाने के लिए तैयार है। हाँ जी, ये देखने में काफी खुशी हुई कि बहुत ही नॉन वायलेंट सा प्रोटेस्ट है, क्योंकि मैं बड़े वहां से चल के आया हूँ अब तक मुझे ऐसा कुछ वायलेंस तो दिखा नहीं, सारे बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं, आराम से बात कर रहे हैं। हाँ जी, सारथी पुरब कम करा सारा पंजाब नु पहले दिन दी आता खुश नसीब लोग ने, दुखां दे विच भी खुशी रहिंदे ने। बाकी रही गल जिहड़े असीं कम करना है मोदी नूं असीं दस के जावांगे, जां वी तां पंगा पंजाब नाल लत्ता है उहनूं याद रहू सारी उम्र, इह गल सारा वर्ल्ड देखूगा इह गल वी मोदी नूं पंजाबी आए ते पंजाबियां नाल पंगा लत्ता थी, अज उहदी किसीना करा के गए तां याद करूगा मुड़ के पंजाबियां नाल पंगा लै मोदी दिल्ली करके जाएंगे। हाँ, क्या 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 बोला इन्होंने, प्लीज दोबारा बोलिए। मोदी जी कहा दिल्ली करके जावांगे, मोदी जी दिल्ली करेंगे। मोदी जी, मोदी जी हाँ मोदी। हाँ जी, ठीक है, तो मैं जरा आगे आप मुझे किसी ने कहा कि 4 किलोमीटर तक लंबा है आगे, 7 किलोमीटर 7 किलोमीटर 7 किलोमीटर आज मेरी अच्छी एक्सरसाइज होगी, पंजाब से लेके दिल्ली तक है 7 किलोमीटर साइज होगा। आज तो बॉर्डर में रोक के बैठे ना जे हमारी 200 ट्राली 300। हाँ यार, फिरौरी बॉर्डर में 200-300 ट्राली खड़ी है, रोक ली दोबारा। तो आप लोग मानने नहीं वाले दिल्ली पहुंचने से पहले? बिल्कुल नहीं, ट्रेली दिखाओ सारी, ट्रेली के 3 महीने का रास्ता पूरा, 3 महीने ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਹਿੱਲਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਸਣ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਵਿੱਚ ਟਰਾਲੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਖਵਾ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਰਾਸਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਟੋਟਲ ਮੋਦੀ ਦਾ, ਮੋਦੀ ਕੀ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਖਵਾ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਪੰਜਾਬ। ਚਲਿਏ ਮੈਂ ਆ ਗਈ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਆਤਾ ਹੂੰ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਜ਼ਰਾ ਰੋਟੀਆਂ ਤੋੜੂੰਗਾ। I'll just be honest, I'll tell you how I feel right now. I mean, I'm feeling really amused. मैं घर पे बैठा हुआ था, we were planning to go to Patiala, but this seems to be way more fun. और मैं ऐसा कह रहा हूँ, देखो, I'm no Chiguera. ठीक है, I'm completely apolitical and I don't have a proactive interest in it. But the thing is, जैसे हम प्रोटेस्ट सुनते हैं हमारे लाइफ में, अभी कोई भी प्रोटेस्ट सुना होगा, मैं जम्मू से हूँ वहाँ पे भी होते रहते थे, तो मतलब एक वायलेंट फैक्टर होता था हमेशा प्रोटेस्ट में कि होने वाला है, डंडे पड़ने वाले, कश्मीर में सारे घर जाओ, ये वो टेररिज्म। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, दे हैव अ सिंपल डिमांड, देयर लाइक हमें ज़्यादा रेट मिलना चाहिए, हमें कम मिल रहा है, और उसके लिए गांधीवादी बातें कर रहे थे यहाँ पे कि हम चुप करके बैठेंगे, हमें दिल्ली जाके शांति में बैठना है रामलीला मैदान में, और खाना लेके आए हैं कितने स्वीटली, खाना ऑफर भी कर रहे हैं, और मैं रोटी खा के जाऊँगा मोस्ट प्रॉब्ली, मुझे पराठे और दाल बहुत अच्छी लग रही थी यहाँ पे, तो अच्छा लग रहा है, मतलब ऐसा कभी लगा नहीं था मुझे प्रोटेस्ट ऐसा भी हो सकता है, तो दैट इज़ एन इंटरेस्टिंग थिंग। और बहुत लंबा कहते हैं 4-7 किलोमीटर का है, तो देखते हैं कितना लंबा है आखिर। दो दिन हो गए बोर हो गए होंगे काफी, मतलब हर जगह अलग अलग चीजें हो रही है, वहाँ खाना बन रहा है, वहाँ पे वो बातें कर रहे हैं, उसके आगे वहाँ पे पुलिस रोक रही है, हर एक ऐसा लग रहा है देयर आर लेवल्स टू दिस थिंग, मतलब हर जगह, और बहुत ही मुझे तो मजा आया यहाँ पे आके, मतलब कसम से, क्योंकि मुझे लगा नहीं था इतने। मजा तो है, वैसे घर से निकलना बहुत मुश्किल होता है, काम छोड़ के कोई नहीं आ सकता है। बिल्कुल, मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसीलिए आए, चलो हम लोग एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, पर जो करना तो है ना वो अपनी जगह पे है, थोड़ा टाइम भी तो पास करना है। और बिल्कुल बिल्कुल, और 6 महीने का कहते हैं तैयारी के साथ आए हैं कि कुछ भी हो जाए, और पीछे भी घर वाले हैं सपोर्ट के लिए आगे लेके आ रहे हैं, और भी लोग आ रहे हैं हमारे गांव से, चीज खत्म होगी आती रहेगी साथ में, किसी के पास राशन कम पड़ गया तो वो लेके आएंगे। तो मतलब आपने रुकना नहीं है जब तक अपना काम पूरा नहीं हो जाता है, तब तक कुछ भी हो जाए, हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो हम नहीं जाएंगे, लेके आए हैं अपने कंबल वगैरह सब तैयारी से हैं। इजंट दिस एन अमेजिंग स्पिरिट, आई लव दिस स्पिरिट, सही है सर। अजी यार ओदी भैन के छड़ांगे मोती दी नु ते कह के ओदी भैन नु के छड़ांगे, ठीक है, अजी घरे कह के आए हैं ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅੱਡੇ ਚ ਉਦੋਂ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਹਾਂ ਮੁਲਕ ਬਹੁਤ ਦੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਮੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਕੋ ਆਗੇ ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ ਦੇਂਗੇ ਸਪੋਜ਼ 1 ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ, ਤੋ ਫਿਰ ਆਪਕਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਸਰ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ 1 ਸਾਲ ਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈ, 1 ਸਾਲ ਕਾ, 1 ਸਾਲ ਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਹਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਹਮ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਮਰਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਮ ਇਧਰ ਹੀ ਬੈਠੇਂਗੇ, ਇਧਰ ਹੀ ਖਾਏਂਗੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਇਧਰ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ठीक है आगे जाके हम कुछ नहीं करेंगे, जब तक मोदी जी बिल कैंसिल नहीं करेगा हम जहाँ से नहीं हिलेंगे, भूखा मरना पड़ जाए मर जाएंगे, लेकिन भाई जहाँ से हिलेंगे नहीं। अगर ये लोग आपको जाने नहीं देंगे सपोज 1 हफ्ते या 10 दिन बाद, तो फिर आप क्या करेंगे? कोई प्रॉब्लम नहीं है, लंगर चल रहे थे, खाना पानी बन रहा, कितने शगा थे बैठे रहना, जब तक नहीं मानेंगे बात, ठीक है सर, शांतमय रहना, शांतमय है, कोई मतलब के
किसान साथियों वालों मजदूर वालों कोई भी मतलब के हुलड़बाजी नहीं की जाऊगी, रहना शांतमई है, ये करे तो फिर रिप्लाई किया जाऊगा। जैसे ये हरा झंडा है, हाँ। ये मतलब ये किसके लिए सिंबल है? डकांदे सिखा गया ग्रुप का। अच्छा, किसान जूनियर डकांदा। अच्छा, डकांदा एकता। हाँ, और जो लाल वाला है वो? ये लाल है क्रांतिकारी का। क्रांतिकारी ये और जूनियर सारे किसानी के मतलब है सारे का एकता, कत्ती जथेबंदियों का एकता सारे का यूनिटी। हाँ, यूनिटा जो इन्हों का बिल इन्होंने लाया हुआ अपने भा जिन्ने चिरे वापस नहीं लेंदे इतने चिरी सू आप जाते नहीं उदे राशन लेकर आए हाँ हर चीज़ सी सी महीने का चार चार महीने का समाना अपने ट्रैलिया में पिया जिन्ने चिरे करते नहीं इन्ने चिर आप उठते नहीं उदे वापस नहीं लेंदे। बाकी होर बहुत दुनिया आ रही पिछा जो दिल्ली का सारा घेरा हो जाए कि चार सवेर ना बंदा निकलेगा ना अंदर जहेगा। तो इतनी स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी कैसे मतलब हुई इन सब जो, के बीच? जो कानून सारे घात का जिम्मेदार के बाद हक में नहीं है, मतलब कोई यूनियन है लीडर है हाँ, उसका जो जिसके हाँ, अंदर सारे हाँ सारा लीडर इकट्ठा होकर सोचा ना विचार कर अपने लिए ठीक नहीं है इसलिए कानून वापस कराना है। और हाँ। और ये मतलब अगर ये लोग हफ्ते या दस दिन तक नहीं मानते हैं जिन्ना चिर तो नहीं मानेगा ही बैठा रहेगा। अच्छा, हाँ चाहे छह महीने बैठे छह महीने बैठा रहेगा तो बेसिकली ये एक प्रोटेस्टल डेथ टाइप की सिचुएशन है। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, जब तक काम नहीं होगा कुछ भी हो जाए, फसल का रेट नहीं मिलेगा, पहले ही हमें दो दिक्कतें हो रही होंगी। कोई देखो हम लोग नु कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग पूरे छे छे महीने का खाना लेकर आए हैं अपने सास ट्रालियां पर भर कर लाए हैं। हम अपना बनाएंगे और खाएंगे, जालू कानून वापस नहीं होएगा जो उसने काले कानून लगाए है जिम्मेदारी पर, जब लोग जो वापस नहीं होएगा हम हमारा शांतमय धरना चलता रहेगा, हम यहाँ से जाएगा नहीं, हम उरे लड़न नहीं आए कि आप किसी नु न्यू हो भी है लड़ेगा कुछ होएगा नहीं, हम अपने शांतमय धरने से अपनी मंगा मंजूर कराए। हमारे लिए कोई कांग्रेस कोई काली कोई भी पार्टी गैल कोई संबंध नहीं है, हमारा तो किसानी के गैल संबंध है, किसान मंदूर जो भी है सारे का एक धरना है, इंसाना वह है, जे मतलब किसान गया तो सारे गए, दुकानदार भी गया मंदूर भी गया, जे हमारे पास नहीं हो कोई फसल का रेट या जिस तरह कह रही है सरकार फिर हमारे मंदूर की मंदूरी कहाँ से देगा, किसान नहीं गए 400 किलोमीटर से आए हैं, ट्रैक्टर के ढूहियां साड़ियां ठुक गई है, ढूहियां साड़ियां ठुक गई, उन्होंने ऐ पुछो भी बचौलिए होंगे कि बचौलिए कि होंगे, और आके तो देखो बचौलिया है कि किसान है, ये देखो तो सही भाई कौन रात एडी 400 किलोमीटर ट्राली च कोई आ जाऊगा सर, जो करोड़ रुपया दे भी इन्ने 400 किलोमीटर से दिल्ली आ जाए ट्राली असं बिल्कुल भी नहीं आ रहे, सानू की लोड़ आ रही, असं रात को पएंगे ठंड के फिर कितने जाएंगे सानू लैटरिंग की बाथरूम की नहाने की दिक्कत पेगी कपड़े की दिक्कत पेगी, वह कितों लाएंगे असं, सानू बचौलिए दस दर ये दसो तक ये कितने का न्याय है साडा को। देखो बात यह है असी अगे जाके की करना, असी दिल्ली का गल घुटना, असी वह इतने घुट देना है, चारों तरफ दिल्ली बंद कर देनी है, ना दिल्ली से आटा जाए ना पानी जाए ना रोटी जाए ना दाल जाए ना सब्जी जाए। सो द सिचुएशन इज कम्प्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल नाउ, मंत्रियों से इनकी बात हो रही थी इनके लीडर्स की और उन्होंने मना कर दिया, 3 तारीख को बुला रहे हैं और ये बोल रहे हैं बहुत बार पहले भी हो चुका है तो अभी सुनने वाले नहीं है, ये यहीं पे धरना करके बैठेंगे और जितने भी सप्लायर्स पंजाब से ऑल ओवर इंडिया जाते हैं वो बंद कर देंगे जब तक इनकी बात नहीं सुनी जाएगी। एक लड़ाई वोटिंग मशीन की बीबी पैड की चलनी है हले आने वाले समय, क्योंकि बिहार देखा जीते हुए बंद जो सर्टिफिकेट देने वास्ते जा रहे थे अंदरों वापस कर दिया हारे हुए डिक्लेयर करते 40-17 वोट कितने वो बंदा 70 वोटा से जित रहा उन्होंने 17 वोटा से हरा के बीजेपी का जिताया, इस करके अमेरिका वर्गा जोड़ा इन्ना अगा लंघा मुल्क है वो भी कह रहा है कि जी ये मशीन वोटिंग है बिल्कुल गलत है, एक कंप्यूटराइज सिस्टम है जिथे मर्जी हैंग कर लो जिथे मर्जी सैट कर लो, साढ़े मोबाइल है जिथे मर्जी फेसबुक जो मर्जी खोल लो उ बीबी पैड है। तो अभी ये लड़ाई सिर्फ पहला ही ये पहला साल एक लड़ाई होर लड़नी पैनी है जेडे अपने जेडे साडे पंजाबी हैं क्योंकि जेड़ा भी शुरू होंदी है पंजाब तो शुरू होंदी है, समझ गया, कदे भी कोई भी इतिहास चक के देखो परले खोल के देखो
ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਔਰ ਉਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਬਹੁਤ ਲੜਦੀਆਂ ਪਰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। और ये तीन काले कानून लेके आए हैं, फांसी का फंदा काम कर रहे हैं किसानों के लिए, तो हम जब तक ये वापस नहीं होते तब तक ऐसे ही विरोध करते रहेंगे। ये तो हमारे साथ पीसफुल प्रोटेस्ट को वो भी रोक रहे हैं जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, बट ये हमारा फंडामेंटल राइट्स भी नहीं दे रहे हैं हमको। आपको कोविड से डर लगता है? न, कोविड कोविड क्या करेगा यार, कोविड फांसी का फंदा चढ़ाने लग रहे हैं तीन काले कानून जाके, मरना तो हमने वैसे भी है। जिन लोगों से भी अभी हम मिले उन लोगों को रोकना दिल्ली आने से, क्योंकि अगर वो दिल्ली आ गए तो क्योस हो सकता है और उनको आने नहीं देना। क्यों नहीं आने देना, आपने सबके ओपिनियन सुन लिए तो मैं आपको दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। अगर आपको वो ओपिनियंस अच्छे लगे बुरे लगे आप अपना जजमेंट मुझे बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में, तो मुझे भी थोड़ी एजुकेशन मिलेगी क्योंकि मैं तो लोगों से पूछता हूँ, ज़्यादा ओपिनियन बनाता नहीं हूँ टीवी पे आजकल। यू डोंट नो व्हाट यू कैन ट्रस्ट एंड व्हाट यू कांट ट्रस्ट। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वॉच इट, लाइक इट, सब्सक्राइब इट। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट डे अनदर ब्लॉग। टिल देन टेक केयर, बाय।